हेलो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे एक दिवसीय क्रिकेट की 3 मैचों की सीरीज में दूसरा मुकाबला भारत ने जीत लिया है। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने भारत को 312 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने इस लक्ष्य को 2 विकेट से हासिल कर लिया है। भारत ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, भारत इस सीरीज को जीत चुका है, हालांकि अभी एक मैच बाकी है। अक्षर पटेल ने भारत को हारते हारते बचा लिया है। ये मैच भारत के हाथ से निकल चुका था, तभी अक्षर पटेल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से इस मैच को अपने पक्ष में खींच लिया। अक्षर पटेल ने 35 गेंदों पे 64 रन की शानदार पारी खेली है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 311 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने 49.4 ओवर में 8 विकेट खोकर 312 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। अक्षर पटेल ने 27 गेंद पर अपना पहला वनडे का अर्धशतक लगाया है। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन बनाने थे। अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। अक्षर पटेल के अलावा भारत के श्रेयस अय्यर ने 63 रन, संजू सैमसंग ने 64 रन, शुभमन गिल ने 43 रन और दीपक हुड्डा ने 33 रन बनाए। इस मैच को जीतते ही भारत ने सीरीज अपने नाम कर दी और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक 2007 से और 2022 तक 12 ओडीआई सीरीज खेली गई है, जिसमें से भारत ने 12 की 12 सीरीज जीती है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वेस्टइंडीज को लगातार 12 सीरीज हराने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अभी तक ये रिकॉर्ड विश्व में किसी टीम ने नहीं किया है। तो दोस्तों, इस मैच के साथ साथ भारत ने सीरीज भी जीती और एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।